नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली देखिए, मैंने कल शाम को आप लोगों को एक चार्ट पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं कह रहा था कि मैंने आप लोगों को शाम को एक टेलीग्राम चैनल में मैंने चार्ट पोस्ट किया था और उसमें कुछ मैंने इस तरह की ट्रेंड लाइन लगा के मैंने आप लोगों को वो चार्ट दिया था। तो वहां पर देखिए क्या था, वहां पर मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब अब ये बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है और ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के आसपास है, तो यहां से बाउंस बैक होना पॉसिबल है। सो अगर फाइनली यहां पर देखें तो यहां पर देखिए इस लेवल पर देखिए जहां पर मेरा माउस का कर्सर है, यहां पर देखिए ये एक रजिस्टेंस जोन था। तो ये रजिस्टेंस के बाद फाइनली देखिए यहां पर एक सपोर्ट जोन अपने को मिला है। मीन्स यहां पर देखिए पूरी पूरी उम्मीद थी कि यहां पर बाउंस बैक होना चाहिए, बट अगर ये लेवल ब्रेक कर देता 29,700 का लेवल, देखिए 29,700 लेवल एक अंतिम उम्मीद थी कि अगर 29,700 के बाद पे बाउंस बैक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम यहां पर बिल्कुल क्लियर कट यहां पर 29,000 का लेवल देखने वाले थे। अभी भी देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर हम अभी भी अगर 29,700 का लेवल ब्रेक करते हैं तो 29,000 का लेवल यहां पर हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट है। सो फाइनली यहां पर देखिए अब एक बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट पर एक बाउंस बैक हुआ है। चलते हैं यहां पर 15 मिनट के चार्ट में, फाइनली पहले हम चलते हैं यहां पर 5 मिनट के चार्ट में, उसके बाद हम देखेंगे यहां पर अपने कौन कौन से ट्रेड थे, हमने किस तरह से ट्रेड लिए और चीजें जो यहां पर काम की हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारी ट्रेडिंग प्लान थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए निफ्टी बैंक में हमारा क्या प्लान था, निफ्टी बैंक में हमारा यहां पर क्लियर कट ये ट्रेड प्लान था कि जब ये लेवल ब्रेक होगा, जब ये ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करके बताई थी कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम मे बी बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और जब इसका हाई ब्रेक होगा तो यहां पर देखिए हमको यहां पर बाइंग के लिए जाना था। फाइनली देखिए जब यहां पर हाई ब्रेक हुआ है, ये 2-3 बजे के आसपास ये ब्रेक हुआ और इसके बाद काफी अच्छी एक मूव देखने को मिली है। अब देखिए हमने जो कल प्लानिंग की थी ट्रेड की वो ये प्लानिंग थी कि 29,000 यहां पर जो क्लोजिंग आई थी अपनी, तो ये थी 29,300 के 30,300 के आसपास। तो यहाँ से हम देखिए ऊपर की तरफ जाने के सोच रहे थे, बट यहाँ पर जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर हुई। अब देखिए सपोर्ट लेवल की जो यहाँ पहली 5 मिनट की कैंडल थी, पहली 5 मिनट की कैंडल देखिए जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, सो इसको देखकर हमने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाया था, बट पहला ट्रेड ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। पहला ट्रेड ही हमारा यहाँ पर जो है दिन का पहला ट्रेड ही यहाँ पर स्टॉप लॉस होना देखिए माइंड पूरा खराब कर देता है। बट यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर आप कूल माइंडेड हैं, अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं तो नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पहला ही ट्रेड यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ था और उसके बाद मैंने कंटिन्यू 9 ट्रेड किए, 9 के 9 ट्रेड काफ़ी अच्छे रहे, सारे ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल रहे। मीन्स आज हमने 10 ट्रेड किए, 10 में से 9 प्रॉफिटेबल रहे और ये जो पहला ट्रेड था यही हमारा जो है स्टॉप लॉस था। देखिए ट्रेड तो आज इतने अच्छे अच्छे चले कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब किसी में 1:5, 1:7, 1:8, 1:10 तक यहां पर आज हमको प्रॉफिट मिला। देखिए अब हम वहां पर चर्चा करेंगे किस तरह से हमने ट्रेड लिए, क्या प्लानिंग थी। तो फाइनली यहां पर देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमको एक यहां पर अच्छा मौका मिला और यहां से मैंने देखिए आप लोगों को चार्ट भी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था। अब देखिए मैंने यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए डबल टॉप पैटर्न बन रहा था और डबल टॉप पैटर्न के बाद जब यहां पर ट्रेंड लाइन देखिए हमारा जो मेन ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड है। तो फाइनली देखिए जब यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हुआ और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शूटिंग स्टार कैंडल में, फाइनली देखिए जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमको यहाँ पर 400 पॉइंट्स की क्लियर कट हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली है। उसके बाद अगेन देखिए अब यहाँ पर आए तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा एक देखिए मैं लॉजिकल चीज़ें बताता हूँ, आपको ध्यान से देखा करिए। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपने को पहला बॉटम मिला और यहाँ पर अपने को दूसरा बॉटम मिला और फाइनली देखिए जब इसने प्रीवियस हाई निकाला उसके बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चले गए। मीन्स मतलब आज एक काफ़ी आसान दिन था ट्रेडिंग के लिए, कह सकते हैं एक्सपायरी वालों ने, ऑप्शन सेलर ने भी काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे, ऑप्शन बायर ने भी काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब देखिए ये जो मार्केट थी यहां तक कि हम कह सकते हैं 12 बजे तक की जो मार्केट थी ये टोटली ऑप्शन सेलर्स की मार्केट थी, ऑप्शन राइटर्स की मार्केट थी ये, क्योंकि मार्केट यहां पर मे बी रेंज बाउंड था। उसके बाद देखिए 12 बजे के बाद यहां पर मूव स्टार्ट हुई है, पहले तो यहां पर मूव डाउन साइड हुई है उसके बाद कंटिन्यू हम ऊपर की तरफ चले। चलिए ये तो थी आज की मूव, अब हम देखते हैं हमको कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है। 15 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूं, एक्सपायरी डे वैसे भी हमारा बहुत अच्छा जाता है और आज भी बहुत अच्छा गया है। अब देखिए हमारे पास एक जो ट्रेंड लाइन है, देखिए मैं सबसे ऊपर से यहां पर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा, पहले मैं इसको सेट कर देता हूं और यहां से देखिए अब हम एक ट्रेंड लाइन पकड़ रहे हैं, ये हमारे पास जो है मेन ट्रेंड लाइन है, मींस जिसको हम कह रहे थे कल मेजर ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे पास मेजर ट्रेंड लाइन है और मेजर ट्रेंड लाइन के पास देखिए फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहां पर देखिए ये जो लेवल था, इस लेवल के पास मार्केट ने काफी टाइम तक जो है टाइम स्पेंड किया है। मींस ये जो रेजिस्टेंस था हम कह सकते हैं 30,150 के आसपास, ये एक मेन रेजिस्टेंस था और 30,150 के आसपास काफी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया
और फाइनली देखिए यहां पर अभी हमारे पास जो है इस कह सकते हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहां पर जो है ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी थी। फाइनली देखिए अब हम ब्रेक कर चुके हैं, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दे दी है। अब हमारे पास देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि ये जो अभी हमारे पास प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, अभी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, देखिए 30,450 का लेवल है ये, तो 30,450 से लेकर 30,480 अभी हमको ये लेवल निकालना है, 30,450 से लेकर के 30,480 ये लेवल निकालने के बाद देखिए हम क्लियर कट हमारा जो अगला टारगेट होगा वो देखिए 31,000 के आसपास हो सकता है। तो जैसे ही देखिए 30,500 का लेवल, देखिए ये मैं आपको मोटा मोटा टारगेट बता रहा हूँ, अगर मैं छोटे छोटे टारगेट के लिए आपको जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं कंटिन्यू एक एक घंटे पर आधे आधे घंटे पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पर मैं ये बताते रहता हूँ कि मैं अभी कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ या फिर मैं कौन सी ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ, कौन सी ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, या बैंक निफ्टी में कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली अब देखिए हम यहां पर ब्रेकर के ऊपर की तरफ क्लोज हो चुके हैं, अब यहां पर देखिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हम जो है यहां पर ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहां देखिए ये जो 30,450 के आसपास यहां फ्लैट ओपन हो, इसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। मे भी देखिए अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहां पर देखिए मे यहां 31,000 के आसपास अगर देखिए हम यहां पर गिर सकते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये जो हमारा लेवल है 31,050 के आसपास, 31,050 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलती है आपको तो यहां पर आप बाइंग के लिए आप सेलिंग देखिए, क्योंकि देखिए हम यहां पर ऑलरेडी 500 पॉइंट्स हम यहां पर मूव कर चुके होंगे, 500 क्यों, 650-650 पॉइंट हम ऑलरेडी यहां पर मूव कर चुके होंगे। अगर यहां पर बैंक निफ्टी मिलती है तो यहां पर हमने को सेलिंग के ट्रेड बनाने हैं, ना कि बाइंग के ट्रेड। दूसरा देखिए मैं आपको एक सिनेरियो और बता देता हूं, चलता हूं 5 मिनट के चार्ट में, और यहां पर जो है आपको चीजें मैं बिल्कुल लॉजिकली बता देता हूं। अब मैं ये ऊपर की ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूं और बाकी के जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखे हैं मैं ये भी डिलीट कर देता हूं। अब देखिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सेल के लिए हमारे पास क्या लेवल है। अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है कंटिन्यू, देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया ट्रेंड लाइन पे, मे भी देखिए दूसरी बार सपोर्ट लेकर यहां पर जब सपोर्ट लेने के आए तो यहां पर आप जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए। अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग आ जाए तब भी हमको सेल की तरफ जाना है, अदरवाइज अब भी हम जो है बाउंस बैक हो चुके हैं, हमको ऊपर की तरफ के ट्रेड देखने हैं। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब हमको जो है नीचे का ट्रेड बनाना है, अदरवाइज अगर हम 29,700 का लेवल ब्रेक करते हैं फिर अगेन हम सेल के ट्रेड के लिए देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से कल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक देखिए एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का देखिए मैंने बताया था कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है, यहां से बाउंस बैक होना चाहिए। मे बी कल देखिए ये जो रेड कलर की बड़ी ट्रेंड बड़ी यहां पर कैंडल बनी थी, लग रहा था कि यहां पर जो है नीचे एक डाउनफॉल पॉसिबल है अगर इसका लो ब्रेक करता, देखिए यहां पर बट गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहीं से हम जो है ऊपर चढ़ना चालू हो गए। अब देखिए यहां पर बाइंग की जा सकती है 675 रुपए के ऊपर, टारगेट हमारा रहेगा 685 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा है बंधन बैंक, तो बंधन बैंक देखिए मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं फिर आप यहां पर ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिए हम क्या है, हम एक असेंडिंग चैनल में यहां पर ट्रेड कर रहे थे और ये फाइनली देखिए आज हम यहां पर बिल्कुल बाउंस बैक हुए हैं बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर। तो देखिए यहां पर पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बनाई जा सकती है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। देखिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, विदाउट रिस्क तो आप पैसे नहीं कमा सकते, यहां पर रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब यहां पर स्टॉप लॉस जो होगा हमारा बहुत छोटा होगा, बट टारगेट देखोगा देखिए मैं स्टॉप लॉस बता देता हूं 313 से लेकर के नीचे जो है 297 में भी देखिए हमारे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बट यहां पर जो टारगेट होगा कम से कम 100 पॉइंट्स के लिए हम यहां पर जाएंगे, 50 से 100 पॉइंट्स के लिए, मतलब हम यहां पर 1:3 या फिर 1:5 के लिए जा सकते हैं। इंट्राडे वाले देखिए क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में हमको क्या करना है 315 रुपए के ऊपर, अगर बंधन बैंक कल 315 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज अगर ये 295 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहां पर बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो 295 रुपये के नीचे हमको सेल के लिए देखना है और 315 रुपये के ऊपर हमको बाय के लिए देखना है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा HDFC बैंक, देखिए आज सारे स्टॉक चले, सारे जो मेजर बैंक हैं उन सब ने जो है बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया, बट एक HDFC बैंक ही ऐसा रहा जिसने मतलब कोई खास सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गैप डाउन ओपन हो चुका था। देखिए 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलूँगा, वहाँ पर समझाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर एक तो देखिए इतना बड़ा गैप डाउन यहाँ पर हुआ, गैप डाउन होने के बाद 5 मिनट कैंडल यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यू हम नीचे सपोर्ट की तरफ हम जो है चलते चले गए। अब यहां पर देखिए आप अगर ध्यान से तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट था ये सपोर्ट हमारे पास था 1,350 के आसपास। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब ये चैनल ब्रेक हुआ था और कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1400
कि नीचे क्लोज हो गए, तो हमको यहाँ पर 1350 का लेवल हमको बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल हम देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि देखिए इसके आसपास और कोई सपोर्ट नहीं था, अगर ये 1350 1400 के नीचे क्लोजिंग कर चुका है तो इसके आसपास कोई और सपोर्ट नहीं है, इसका अगला सपोर्ट 1350 ही था। तो देखिए आज इसने जो लो लगाया वो 1342 का लगाया और फाइनली देखिए उसी सपोर्ट से बाउंस बैक हो गया। अब मे भी देखिए यहाँ पर अगेन ऊपर का चैनल, ऊपर का देखिए ये जो रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, तो ऊपर का लेवल टेस्ट हो रहा है, नीचे का लेवल टेस्ट हो रहा है। अब नीचे का लेवल टेस्ट हुआ है तो मे बी अब हमको ऊपर की तरफ देखना है रेदर देन नीचे की तरफ देखने से। तो यहां पर देखिए अभी हम कहां तक जा सकते हैं, अगर यहां पर कल हम बाइंग के लिए जाते हैं और यहां पर अगर HDFC बैंक 1375 रुपए के ऊपर निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा। ट्रेंड लाइन के आसपास तक जो है हम जा सकते हैं, तो 1375 रुपए के ऊपर निकलता है तो अब 1400 रुपए के लिए जा सकते हैं बाइंग साइड में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए यहां पर कंटिन्यू एक असेंडिंग वेज में काम कर रहा था, तो असेंडिंग वेज में देखिए फाइनली देखिए ये आज लास्ट पॉइंट था, अगर इसको ये ब्रेक डाउन कर देता तो हम यहां पर बेरिश हो जाते और कंटिन्यू हमको जो है नीचे की तरफ का ट्रेंड देखने को मिलता और हमारा टारगेट में भी देखिए ये हो सकता था 470 के आसपास। बट देखिए यहां पर अच्छा ये हो कि हम इस सपोर्ट से बाउंस बैक हो गए, ये जो असेंडिंग बैच पैटर्न जो बना हुआ है यहां से हम बाउंस बैक हो चुके हैं। अब यहां पर बाइंग जो करनी है हमको 530 रुपए के ऊपर, कल अगर इंट्राडे में आप बाइंग करना चाहते हैं तो 530 रुपए के ऊपर निकलता है, तो यहां पर जो आपका टारगेट होगा 535 और 540 के लिए यहां पर ट्रेड बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने भी फाइनली देखिए अपनी, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, कोई अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है या फिर मोस्टली स्टॉक जो है अपने सपोर्ट से बाउंस बैक कर चुके हैं। अब देखिए इंडसइंड बैंक ने भी देखिए अपने सपोर्ट के आसपास, ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने बताया था कि अगर हम रेड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम ये ब्लैक ट्रेंड लाइन के पास ही हमारा सपोर्ट होगा, इसके बीच में हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ से हम कंटिन्यू फॉल होंगे, कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरेंगे। अब देखिए जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद हम कंटिन्यू देखिए अब इस ब्लैक कलर के जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसके पास आकर हमने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक फाइनली डोजी कैंडल बनाई है। अब यहाँ पर देखिए वेट करना है, कल इसमें इंडसइंड बैंक में ट्रेड मत बनाइए, यहाँ पर वेट करना है अपने को, या तो हमको कोई एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए या फिर कोई अदर हमको बुलिश कैंडल मिल जाए तब हम देखिए मंडे के सेशन के लिए अपने यहां पर ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज अभी यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर अभी कल के दिन में हमको वेट ऑन वॉच वॉच वाली कंडीशन करनी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने भी देखिए यहां पर अपना जो लेवल ब्रेक किया 1800 का लेवल ब्रेक करने के बाद, अब ये देखिए यहां पर देखिए मैं चार्ट बड़ा करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहां से जब हम ऊपर की तरफ निकले थे ये जो हमारा लेवल था 1500, जब कंटिन्यू ऊपर की तरफ हम जा रहे थे तो एक बार हमने यहां पर सपोर्ट लिया था, ये जो सपोर्ट लिया था वो 1710 का लेवल था, 1710 के लेवल के आसपास हमने यहां पर सपोर्ट लिया था और अगेन बाउंस बैक हुए थे। अब देखिए हमारा जो अगला यहां पर जो सपोर्ट था ये 1810 के आसपास था, तो 1810 का लेवल ब्रेक होगा तो मैंने बताया था आपको कि 1710 का लेवल हम देखेंगे और फाइनली देखिए हमने जो आज का जो हमने लो देखा वो देखिए 1701 का देखा, तो मतलब हमने यहाँ पर 1700 का सपोर्ट भी देख लिया। अब यहाँ से हम बाउंस बैक हुए थे तो मे भी देखिए यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि हमको यहाँ से भी बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल से अगर हम देखिए अभी हम एक बार बाउंस बैक हुए हैं, अभी हमारा सेकंड टाइम है, दूसरी बार हमको यहाँ पर बाउंस बैक होना चाहिए। सो यहाँ पर कल के डेट में, कल जो है फ्राइडे का सेशन है, कल यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, तो इसमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए देखिए आपको सिर्फ 1695 की क्लोजिंग के नीचे ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज जो है ये अपने सपोर्ट लेवल पर इसको शॉर्ट मत करिए। अभी अगर ये 1725 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसमें जो 1750 रुपए के देखिए 1750 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा RBL बैंक। देखिए सारे के सारे स्टॉक, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हैं। अब ये देखिए मैंने RBL बैंक भी आपको दिखा दिया, कोटक बैंक आपको दिखा दिया, इंडसइंड बैंक आपको दिखा दिया, उसके बाद बंधन बैंक आपको दिखा दिया, एक्सिस बैंक आपको दिखा दिया, ये सारे के सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम के सेम मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास आकर जो है इन्होंने या तो डोजी कैंडल बनाई है या तो कोई रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है। अब RBL बैंक को भी देखेंगे तो देखिए यहाँ से जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी तो इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर इसने जो है आज डोजी कैंडल बनाई है, मे बी यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। देखिए हम यहां पर बेरिश तभी होंगे जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेंगे, नीचे जब हम यहां पर क्लोज करेंगे, मान लीजिए अभी 215 का लेवल है और यहां पर जो इसका लो लगा हुआ है 208 का, तो जब तक हम यहां पर 208 के नीचे क्लोज नहीं कर देते तब तक हमको यहां पर जो है भी सेल के लिए नहीं जाना है। अब यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां पर यू शेप का पैटर्न बन सकता है, तो यहां पर नजर बना के रखिएगा, कल अगर 216 रुपए के ऊपर निकलता है और कंटिन्यू 10 मिनट सस्टेन हो जाता है तो टारगेट हमारा यहां पर 220 और 223 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन सेम पैटर्न देख लीजिए, मैंने आप लोगों को सारे के सारे पैटर्न मैंने यहां पर दिखा दिए। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखिए असेंडिंग वेज पैटर्न यहां पर बन रहा है, असेंडिंग वेज पैटर्न में देखिए फाइनली अपने लोअर चैनल से इसने, लोअर ट्रेंड लाइन से इसने फाइनली बाउंस बैक कर लिया है।
गया है। अब देखिए कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहां से अगर बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है। अगर यहां से इसमें बिल्कुल भी इसमें मजबूती है, बिल्कुल कोई भी स्ट्रेंथ है, तो यहां से बाउंस बैक कल को हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें वीकनेस आ चुकी है तो ये कल को अपना ये लेवल ब्रेक कर देगा, अपना ये पैटर्न कल ब्रेक कर देगा। तो फाइनली देखिए आज हमने यहां पर देखा कि बहुत अच्छी एक तेजी देखने को मिली। मे बी अगर आप देखें तो यहां से 2.5% के आसपास हम यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम यहां पर आज जो है तेजी बनाए हुए हैं। तो अब देखिए हमको यहाँ पर कल के दिन में क्या सिनेरियो करना है। देखिए मोस्टली जो है पैटर्न के आसपास जो सपोर्ट के आसपास वहाँ पर डोजी कैंडल बनी हुई है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे पूरी एक एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। मीन्स यहाँ पर तेजी काफ़ी अच्छी है और दूसरे बैंकों की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए बाइंग बिल्कुल यहाँ पर की जा सकती है 285 रुपये के ऊपर, 285 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 290 और 295 रुपये के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। तो देखिए फाइनली देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ट्रेंड जो है बैंड हो चुका है। देखिए जब कभी भी एक डायरेक्शन में ट्रेड चलता है, कोई भी, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी अगर एक दिशा में ट्रेंड चलता है तो कभी ना कभी उसने देखिए ट्रेंड को जो है बैंड होना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आकर ट्रेंड देखिए बैंड हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए ऊपर से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और यहाँ से ट्रेंड जो है बैंड होना शुरू हो गया। अब बैंड होकर देखिए ये इस तरह से यू पैटर्न बना सकता है, यू शेप यहाँ पर बना सकता है। सो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन देखिए बड़ा करके दिखा दूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग ना आए तब तक सेल मत करिए। अदरवाइज इसको जो है ऊपर बाइंग की तरफ देखिए, 30,480 के ऊपर निकलता है तो हमको यहाँ पर जो अगला टारगेट हमको देखने को मिलने वाला है तो वो देखिए 30,650 के आसपास। उसके बाद हम यहाँ पर जो जाएंगे वो 31,000 के आसपास हमारा मेन टारगेट है। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर 29,700 का नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने वाले हैं। मे बी 400 से 500 पॉइंट्स की डाउनफॉल हम बिल्कुल एक शार्प मूव में देखेंगे। तो कंटिन्यू नज़र बना के रखिएगा बैंक निफ्टी में, यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है कल एक अगेन अच्छा मौका है पैसा बनाने का। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए। नीचे अलाइस ब्लू और एंजल ब्रोकिंग के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाइए, वहां अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हमारे इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहां पे आपको प्रीमियम सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मींस आपको वहां पर ऑप्शन के इंट्राडे कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।